अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आजम फ्रॉम टेक्निकल फौजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिर से पीटीए के बारे में। जी हां, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की एक नई अपडेट के बारे में, जो कि आज से तकरीबन एक महीना 20 अक्टूबर को, मतलब काफी सारी आवाम को परेशान किया गया था। पाकिस्तानी आवाम बड़ी परेशान हो गई थी और मैंने भी यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई थी। हो सकता है कि आपने भी उसी वीडियो को देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, तो उसी के बारे में एक नई अपडेट आ गई है। तो यहाँ पे मैं अपडेट बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मतलब कि जितनी भी आवाम ये कहेगी कि हमें सबूत चाहिए इस अपडेट का, तो वो किसी भी चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। फवाद चौधरी का एक नया बयान है, फवाद चौधरी पाकिस्तान के वजीर इत्तलात हैं, तो वहाँ से आपको सबूत मिल जाएगा। मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो या लिंक वगैरह नहीं दूंगा, सॉरी, क्योंकि कॉपीराइट का मसला है। तो यहाँ पे वीडियो शुरू कर लेते हैं कि कौन कौन से अब फोन बंद होंगे, क्या पहले वाले जो फोन है वो बंद होंगे या नहीं होंगे। तो इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन भी दबा लीजिए, और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं 20 अक्टूबर वाले सिनेरियो की। 20 अक्टूबर को क्या हो रहा था? 20 अक्टूबर को ये हुआ था कि जब मतलब जितने भी फोन बंद होने थे, हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया गया सेलर्स की तरफ से, अवाम की तरफ से, क्योंकि वो बड़ा ही एक क्विकली प्रोसीजर था और पूरे पाकिस्तान की डिवाइसेस को वेरीफाई करने के लिए एक महीने का टाइम दिया गया था। इनफैक्ट एक महीने से भी कम का टाइम दिया गया था, 20-21 दिन का टाइम दिया गया था, जो कि बहुत कम टाइम था। तो प्रेशर की वजह से हुकूमत और पीटीए ने यह फैसला किया कि इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, लेकिन होगी वेरीफिकेशन दोबारा। तो अभी वही अपडेट आई है, अभी मैं आपको बताता चलूं कि 31 दिसंबर के बाद जितनी भी डिवाइसेस न्यू पाकिस्तान में एंटर होंगी, यहां पे खुशखबरी आपके लिए ये भी, जितनी भी पुरानी डिवाइसेस हैं आपके पास, जो सेलफोन चल रहे हैं अभी, या फिर आपने पुराना कोई खरीदा हुआ है, किसी भी सेलर के पास पड़ा है, रिटेलर के पास पड़ा है, उसका कोई इशू नहीं। जितने भी नए सेलफोन आएंगे बाहर से स्मगल होके आए, या फिर इस तरह से आए कि उनको पीटीए से वेरीफाई ना करवाया गया, उनका IMEI जो है वो अनकंप्लाइंट हुआ, उन सेलफोन्स को बंद कर दिया जाएगा। तो फ्यूचर में अगर आप कहीं से, दुबई से, अमेरिका से, जहां पे आपका चाचा मामा ताया पुपी जो भी रहते हैं उनसे मंगवा रहे हैं, तो आपने अपने सेलफोन को वेरीफाई लाजमी करवा लेना, क्योंकि जितने भी नए सेलफोन आएंगे उनको जो है अनकंप्लाइंट अगर होंगे, IMEI स्टोलन होगा। पहले मैंने इस बारे में काफी सारी अपडेट थी मेरे चैनल पर, तो यहीं पर बताता चलूँ कि अगर आपका मोबाइल वो अनकंप्लाइंट होगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा, पुराने सेलफोन्स को कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, इस ये बस छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा चले तमाम दोस्तों को ये चीज़ें बता दी जाएं, क्योंकि पहले भी मैंने इस तरह की काफ़ी वीडियोस बनाई थी, तो माशाल्लाह से यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बनाई, तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए थे हमें। तो अभी मैं सोच रहा था इस तरह की वीडियो बना दूँ, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर पसंद आई तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल वाला आइकन भी दबा देना, और अगर चैनल पर नए हो तो अल्लाह हाफिज़।